हेलो हाय यूरन, स्टॉक टिप्पण में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले टाटा पावर शेयर्स के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं शेयर किस तरीके से ट्रेड करते हुए दिखी है। टाटा पावर की राइट नाउ 257 रुपीज पर ट्रेड करते हुए दिख रही है और आज के दिन तेजी बनी है। मार्केट डाउन होते हुए तब पर भी ऐसा ट्रेंड देखने को मिला है। यहाँ पे 3% तक की गिरावट, टाटा पावर में बहुत ही गजब की डाउनफॉल देखने को मिली है। और इनफैक्ट ये डाउनफॉल यहीं पे नहीं रुकेगी, मे बी चांसेस रह सकती है और भी डाउन जाएगी, क्योंकि जैसे ही निफ्टी 50 का भी ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी के लिए, मैं हर एक वीडियो में ये चीज बोल रहा हूँ कि निफ्टी 50 का भी ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है, तो अभी पैसा लगाना एक बेस्ट ऑप्शन भी बन सकता है। और राइट टाइम कब है वो चीज आपको वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। यहाँ पे बात करें टाटा पावर में होल्डिंग्स, तो होल्डिंग्स होते हुए दिख रही है 31.08। तो जहां पे अभी आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि अगर अभी मार्केट के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो डिलीवरी इंटरेस्ट जो देखने को मिल रही है, डिलीवरी इंटरेस्ट कहीं कम देखने को मिल रही है पुराने टाइम से। तो यहाँ पे ऐसा ना हो कि आप इस ट्रैप में फिर से फंस जाए। कौन सा ट्रैप, तो सब कोई पूछते हैं, तो यहाँ पे ये जो ट्रैप थी, यहाँ पे 300 के बाद ये शेयर डायरेक्टली 180 का डाउनफॉल दिखाई है। जब 180 तक ये डाउनफॉल दिखाई है तो कोई छोटी मोटी डाउनफॉल नहीं रही। फिर उसके बाद जब फिर से तेजी बनी तो फिर से इस ट्रैप में बहुत लोग फंसे हैं, मेरे नोन के भी बहुत कोई फंसे हैं और लास्ट में इस पॉइंट पे गए हैं। और ये अभी जिस तरीके से परफॉर्मेंस बना रही थी, ये चांसेस बना रही थी कि 300 ब्रेक कर दे, और यहाँ पे जो नई नई नवेली दुल्हन होती है, मतलब उस तरीके से परफॉर्म करते हुए दिखी, अच्छी खासी ऊपर गई। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ अच्छी खासी ऊपर नहीं जाते हुए दिखी, बट हाँ फंसना नहीं है, फंस जाएंगे तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी फ्यूचर में। हाँ ऑफकोर्स ये स्टॉक में पोटेंशियल है, वो फ्यूचर में बहुत ही अच्छी, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है और ट्रस्टेड कंपनी है, तो सबसे बेस्ट पार्ट है। बट हाँ अगर आप फंस जाते हो तो परेशानी आप ही को है। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड क्रिएट करने का चांसेस बना सकती है। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन रहा है कहाँ पे, तो 250 का एरिया, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उन लोग के लिए अभी बता रहा हूँ, 250 का एरिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर उसको ब्रेक करते हुए दिखती है तो प्लीज आप लोग सेल कर दीजिए, आप लोग भी मूव आउट हो जाइए, वो बेस्ट ऑप्शन रह सकता है लॉन्ग टर्म। बहुत 10 ईयर्स का अगर आप लोग सोच के रखे हो, 10 ईयर्स का अगर व्यू पॉइंट है तो आराम से आप रख सकते हो, कोई भी बिग डील नहीं है, आराम से आपको प्रॉफिट होते हुए दिख सकता है फ्यूचर में। आप देख सकते हैं 34 की शेयर्स अभी कहाँ पे ट्रेड करी, किस पॉइंट पे 200, तो आप खुद समझ सकते हो कितना ही बेस्ट पोटेंशियल, मतलब बेस्ट ऑप्शन रह सकता है इन्वेस्टमेंट करना। ये तो लॉन्ग टर्म, बट जो शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं वो तो और भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट टर्म वाले को शॉर्ट में कुछ ज्यादा ही पैसा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आ जाते हैं 1 मंथ पे, 5 डेज कुछ ज्यादा छोटा हो जाता है, यहाँ पे 1 मंथ पे आ जाते हैं, तो जस्ट आप देख सकते हैं किस तरीके से फ्लो मेंटेन करते हुए दिखाया। यहाँ पे अपना स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया को मेंटेन करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे 250 तक मैं अभी बताया 250 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन रही है, बट वो तो लॉन्ग टर्म वालों के लिए था, बट आप लोग के लिए कौन सी है, आप लोग के लिए भी बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये रेंज आप लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 254 से 250 मान के चलो, फिर उसके बाद आपके पास आती है एकदम शॉर्ट शॉर्ट की बता रहा हूँ। यहाँ पे 243 एक स्ट्रॉन्ग एरिया बन रही है, और 220 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है, हमेशा याद रखना 220 बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया है, क्योंकि 220 एक ऐसा एरिया बन जाता है कि जहाँ पे एक लंबे टाइम तक हमें शेयर कॉन्सोलिडेट करते हुए दिखी है। तो 220 एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया बन जाती है, 220 से लेकर 215 के बीच में जो एरिया बनती है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया बनती है। अब यहाँ पे तो हमें ये सारी चीज देखने को मिल गई, बट हाँ बी केयरफुल, अगर कुछ चेंजेस होती है तो आपको 250 में जैसे ही ये डाउन ट्रेंड क्रिएट कर देती है, 250 को ब्रेक डाउन करने के बाद आपका बहुत ही अच्छा डाउन ट्रेंड मेंटेन हो सकता है। तो अभी के टाइम में मैं ज्यादा से ज्यादा बोलूंगा अवॉइड कर लो, ज्यादा बेस्ट है, कहीं और दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो तो ऑफकोर्स आपको अपॉर्चुनिटी पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जस्ट एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरी नजर में तो अभी सबसे सही है, FRL, तो ABFRL, ये शेयर सबसे बेस्ट लगती है मुझे। देखिए ऑफकोर्स गिरी हुई है बहुत, मतलब ऐसा नहीं बहुत गिरी हुई है, आप समझ जाओ कि मतलब एक अच्छा खासा मेंटेन की हुई है शेयर अभी टाइम पे, और यहाँ पे डाउन ट्रेंड रिवर्सल का चांसेस पूरा बन रहा है। यहीं पे एक चीज खत्म नहीं होती, यहाँ पे भी देख सकते पुराने टाइम पे किस तरीके से डाउन आई थी और अभी किस तरीके से फ्लो पर आई थी। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड बनते हुए दिख चुका है और शेयर है बेहतरीन, कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको फ्यूचर में जाते हुए दिखेगी ऊपर, कंपनी में पोटेंशियल है इसलिए बोल रहा हूँ। दैट्स ऑल, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और याद से जितना ज्यादा हो अपने फ्रेंड कोलीग सबके साथ वीडियो शेयर कीजिए। और आप लोग के लिए वीडियो रेगुलर अपडेट होते रहती है, HUL, BPCL, इनफैक्ट IOC, टाटा मोटर्स, सारी वीडियो अपलोडेड है, प्लीज गो एंड वॉच इट गाइस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।